किन्नौर की जनसंख्या की बात करें तो 84,121 है, जिसमें पुरुष 46,249 है तथा महिला 42,171 की है। साक्षरता दर 80% की, महिला साक्षरता दर 71% का, पुरुष साक्षरता दर 79% की। लिंग अनुपात 100,000 में से 819 महिलाएं हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 7.39% की है। किन्नौर जिले में 3 खंड है, इसमें पू, निचार तथा कल्पा खंड है। यहाँ पर 5 तहसीलें हैं, जिसमें निचार, कल्पा, सांगला, पू तथा मोरंग तहसील है। किन्नौर जिले में फल की बात करें तो सेब, अखरोट, खुमानी, चिलगोजा, नाशपति, चुल्ली, अंगूर, आड़ू, कलम जैसे अनेक फल पाए जाते हैं। किन्नौर की प्रमुख सब्जियों की बात करें तो गोभी, गाजर, पालक, पहाड़ी मशरूम, करेला, शलजम, टमाटर, गुच्छी जैसे अनेक सब्जियां पाई जाती हैं। प्रमुख अनाजों में बात करें तो गेहूँ, फाफड़ा, बाजरा, मक्का, उबला, सरसों, जो जैसे अनेक अनाज पाए जाते हैं। किन्नौर की धर्म संस्कृति में हिंदू जो निचली किन्नौर में अधिक है, बौद्ध यहूदी क्षेत्र में अधिक है, अन्य में ईसाई तथा सिख भी है। प्रसिद्ध मंदिर महेश्वर मंदिर निचार, विष्णु नारायण मंदिर कल्पा, बद्री नारायण मंदिर कामरू, माता देवी चितकुल, चंडिका देवी कोठी है। किन्नौर की अनेक बौद्ध मठ है, लेकिन इनकी जानकारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। इसमें नाको, ताशीगंग, गोंपा प्रमुख है। किन्नौर में बोली जाने वाली बोली एक तिब्बती ब्रह्मी भाषा है। यह हिमाचल से बाहर अन्य क्षेत्रों में भी बोली जाती है। तिब्बती सीमा पर ग्रामीणों में पश्चिमी तिब्बत की तिब्बती बोलियाँ भी बोली जाती हैं। शमसेहो बोली कानम, लाब्रांस, पीडो, शासो और पू के दशमलन के गांव में बोली जाती है। एक किन्नौरी जागरण भाषा मिश्रण भाषा जो रक्षम के छितकुल में बोली जाती है। हिंदी भी प्रमुख भाषा है। कुछ समुदाय पहाड़ी भी बोलते हैं जो संस्कृत से मेल खाती है। किन्नौर की प्रमुख जनजाति किन्नौरा, गद्दी जनजाति तथा अन्य में बुनकर तथा ओड आते हैं। किन्नौर में मुख्य पहनावा में महिलाएं दोड़ू, गाची, टोपी, चांदी से बनी गुरुशांगली तथा त्रिमोती पहनती है। पुरुष कोट पजामा पहनते हैं। किन्नौर जिले की जलवायु अर्ध आर्कटिक है। यहाँ पर 6 महीने बर्फ पड़ती है। निचली किन्नौर में 3 ऋतु है, जिसमें शरद, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु है। किन्नौर के कुछ मुख्य ट्रैक पास किन्नर कैलाश ट्रैक पास, रामखागा ट्रैक पास, बुरासू ट्रैक पास, उड़ान घाटी ट्रैक पास, रुपिन पास ट्रैक पास। किन्नर कैलाश ट्रैक पास की बात करें तो यह चारंग घाटी ट्रैक पास भी कहा जाता है। ये चारंग घाटी से चितकुल तक का ट्रैक है। यहाँ से किन्नौर के हंगरंग घाटी तथा सांगला घाटी का अद्भुत नज़ारा दिखता है। यहाँ से किन्नौर की पहाड़ियों का चौतरफा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर किन्नर कैलाश में शिवलिंग भी है जो अपने आप रंग बदलती रहती है। यहाँ पर पार्वती कुंड भी है। रामखागा दर्रा एक सबसे कठिन दर्रे में से एक है, जो किन्नौर में उत्तराखंड के हर्षिल से जोड़ती है। रामखागा ट्रैक पास छितकुल से लेकर गंगोत्री तक जाती है। बुरान घाटी ट्रैक पास, यह बेहद खूबसूरत ट्रैक सांगला से रोहड़ू तक जाती है। इसमें एक रुपिन पास ट्रैक भी है। बुरासू ट्रैक पास, यह छितकुल से हर किदून उत्तराखंड तक जाती है। यह ट्रैक तिब्बत किन्नौर तथा उत्तराखंड की सीमा में है। रुपिन पास ट्रैक पास,
यह सांगला से दोला उत्तराखंड तक जाती है। किन्नौर की प्रमुख नदी सतलुज है तथा बासपा तथा स्पीति इसकी सहायक नदियां हैं। किन्नौर के प्रमुख प्रसिद्ध किलों की बात करें तो कामरू किला माना जाता है कि कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने किले तथा बुशहर रियासत की स्थापना की। बुशहर रियासत के सभी राजाओं का राज्याभिषेक यहीं कराया जाता है चला जाता था। वीरभद्र सिंह जी 123वीं पीढ़ी के रूप में उनका राज्याभिषेक वहाँ हुआ था। बुशहर रियासत की राजधानी कामरू में थी। इसमें और स्थापनी का किला, नावरम का किला, मोरम का किला तथा कोटी का, चंडी माता का किला, इसकी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।